YouTube, it's me Tarzan and more back again with a new video. मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। So guys, आज की जो वीडियो होगी वो होगी एंटोर की फुल रिव्यू, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। ये जो आपको रेसिंग एडिशन है इसमें आपको सिर्फ एक ही कलर मिलेगा, आप देख ही सकते हैं, ये एक ब्लैक और आपका थोड़ा सा रेड हो गया और थोड़ा सा आपका ग्रे टाइप हो गया, तीन कलरों का इसमें मिक्सचर मिलेगा और इस सीरीज में सिर्फ आपको यही मिलेगा। फीचर जो इसका एंटोर का है वो ये है कि इसमें आपको 10 BHP 10 हॉर्स पावर से भी ऊपर आपको पावर मिल जाएगी। इंडिया का पहला स्कूटर आपको ये ऐसा मिलेगा जिसमें इतनी ज्यादा पावर है और इसका पिकअप बहुत ही लाजवाब है गाइस, एक बार ट्राई करके देखें आप। तो जो मेन फीचर है उसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जो फीचर ये है वो ये है कि इसमें आपको दो मोड्स मिल जाएंगे, एक आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक स्ट्रीट मोड होता है, एक होता है आपका रेसिंग मोड। स्ट्रीट मोड में आप अप्रॉक्सीमेट 70 तक चले जाएंगे और जो रेसिंग मोड है उसमें आप 100 तक भी टच कर सकते हैं। ये स्ट्रीट मोड हो गया, जैसे मैंने इसको क्लिक किया ये हो गया रेसिंग मोड। स्पोर्ट्स मोड भी हम इसको बोल देते हैं, यहाँ पे आप इंजन की देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसमें ठंड ज्यादा है या गर्म है। ठीक है, फीचर जो है वो इसमें आपको मिल जाएगा कि आप 5.8 लीटर का जो है पेट्रोल इसमें डाल सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आप लॉन्ग ट्रैवल अगर करना चाहते हैं तो इजीली इतने ज़्यादा फ्यूल से आप कर सकते हैं। फीचर है वो गाइज इसमें ये मिल जाएगा कि आपको LED DRLs कितनी ज़्यादा खूबसूरत है जो कि आपकी ब्यूटी देती है स्कूटी को। गाइज ये है कि इसमें आपको एंटॉर्क में इंडिया का तिरंगा झंडा मिल जाएगा, तो ये पहली ऐसी स्कूटी है जिसमें आपको ये झंडा मिलेगा, बाकी ऐसी कोई भी मार्केट में स्कूटी नहीं है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करती हो। उसमें आपको ये मिल जाएगा कि आप देख ही सकते हैं आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा हुआ है। क्या होता है कि हम स्टैंड लगा देते हैं और हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं कि स्कूटी जो है स्टार्ट हो जाए, लेकिन होती नहीं, तो होता क्या है हमें पता नहीं होता और हम करते जाते हैं इसको प्रेस बटन को। फिर बाद में यहाँ पे जो है आपको ये एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जैसे अगर आपने स्टैंड लगाया हुआ है तो ये आपको स्टैंड बता रहा है कि आपने लगाया हुआ है, तो स्टैंड हटा के आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपने स्टैंड लगाया हुआ है इसलिए स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर है इस स्कूटी में। जो ये एंटॉर्क है ये काफ़ी ज़्यादा रेसिंग वाली स्कूटी है, तो इसमें यहाँ पे आपको दो लाइट्स दिखेंगी, ये ग्रीन होगी, ये ग्रीन कन्वर्ट हो जाती है रेड में जब आप हाई स्पीड में चलाते हैं, लाइक आप इसको एक्सीलरेटर को पूरा घुमा देते हैं तो ये रेड हो जाती है, तो तेल ज़्यादा खाती है। तो अगर आपको थोड़ी अच्छी माइलेज निकालनी है तो ये आपका ग्रीन होना ज़रूरी है, ग्रीन मतलब आप माइलेज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और अगर आप रेड दबा देते हैं तो आपका काफ़ी तेल पिया जाएगा और आपको कम माइलेज मिलेगी। अगला फीचर मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा जो अगला मोड है ये हो गया स्ट्रीट मोड और ये हो गया स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में आप टाइम यहां पे सेट कर सकते हैं कि आपने कितने टाइम में कितना कवर किया है और यहां पे आपकी स्पीड होगी। और एक और मोड है गाइस, ये राइड स्टैट्स लास्ट लैप, तो इसमें आप देख सकते हैं आपने कितनी टॉप स्पीड रखी है। अभी तक मैंने 67 रखी है और ये एवरेज स्पीड दिखा रहा है 14, और बाकी आप लैप देख सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे मिल जाएंगी। फीचर जो यह है कि अगर आपका जो इंडिकेटर है वो राइट साइड है तो ये ब्लिंक करेगा, अगर लेफ्ट वाला आपने जगाया हुआ है तो ये वाला ब्लिंक करेगा। यूनिक फीचर है जैसे कि अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आपकी गाड़ी ख़राब हो रही है, तो ये वाली चीज़ आपकी ब्लिंक करेगी, तो ये किसी भी स्कूटी मैंने आज तक नहीं देखा, तो काफ़ी अच्छा फीचर मेरे को TVS की तरफ से लगा। ये गाइज आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे डेंजर खतरे का निशान है, तो यहाँ से आपको खतरे का पता लग जाएगा कि स्कूटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वो भी है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक मोड हो गया, एक सेट हो गया, आप मोड चेंज कर सकते हैं और सेट से आप इसको सेट कर लेंगे। पर्सनल रिव्यू मेरा ये रहेगा कि मार्केट की ये सबसे महंगी स्कूटी है, ये मुझे पड़ी है 1,15,000 की, तो काफ़ी महंगी स्कूटी है गाइज। और मतलब अगर आप यंग है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी, लेकिन अगर आप थोड़े सीनियर सिटीजन है तो एक्टिवा सही रहेगी, क्योंकि इसमें ये है गाइज कि ये थोड़ी उतनी कम्फर्टेबल नहीं रहती है। बाकी अगर आप थोड़े यंग हैं तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा, थोड़ा आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और आप इस स्कूटी में मज़े भी ले सकते हैं। ये ओवरऑल देखा जाए तो स्कूटी काफ़ी ज़्यादा सही है गाइज। और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, टार्ज़न एंड मोर साइन आउट।